आज हम बना रहे हैं लौकी खसखस की स्पेशल सब्जी, जिसे हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मैंने हाफ के जी लौकी लिया है और इस तरह से मैंने इसके पतले और लंबे पीसेस काट लिए हैं। आप इसे मनपसंद किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 चुटकी हींग डालेंगे। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च भी काट कर डाल दी है। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो हम इसमें लौकी डाल देंगे। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और लौकी को हमें अच्छी तरह से चलाते हुए से कुक करना है, जब तक कि लौकी हमारी 80% तक कुक ना हो जाए। तो चलिए इसमें नमक डाल देते हैं। स्वादानुसार नमक डाल दें और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत बार लौकी फ्रेश होती है तो काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लौकी को हम फ्रिज में रख देते हैं और उसे तब कुक करते हैं तो पानी उतना वो रिलीज़ नहीं कर पाती है। यहाँ मैंने इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस तरह से कवर करके कुक करेंगे। इसे कवर कर दें तो लौकी को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो लौकी ने काफ़ी थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें अभी आधा कप पानी डालेंगे। तो आधा कप पानी डाल देते हैं और एक बार इसे चला लेंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है, तो इसे कवर करके हम लो फ्लेम में इसे कुक होने देंगे, जब तक कि 80% तक कुक ना हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर से इसका कवर हटाते हैं। तो देखिए 80% तक कुक हो गए हैं। तो यहाँ मैंने पोस्ता दाना लिया था 2 टेबल स्पून और इसे मैंने अच्छी तरह से सोक करके इसका महीन पेस्ट बना लिया है। तो इसे हम डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च को स्लिट करके भी डाल दें। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर से हम इसे कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे, जब तक कि हमारी लौकी जो है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। फ्लेम एकदम लो कर दिया है। तो 4 मिनट हो गए हैं। तो देखिए हमारी लौकी जो है अच्छी तरह से कुक हो गई है। अगर आप इसे एकदम ड्राई बनाना चाहें तो आप इसे एकदम ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ी लटपट बनाना चाहें तो इस स्टेज पर आप फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बिल्कुल 2 चुटकी गरम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों गरम मसाला बहुत ही इसमें कम डालना है, बस 2 चुटकी ही डालना है। तो चलिए इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। तो फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया है। तो यहाँ बिल्कुल मैंने 2 चुटकी इसमें गरम मसाला ऐड किया है और साथ ही थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेते हैं। तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये सब्जी चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बिल्कुल झटपट बन भी जाती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखने में ही कितनी टेम्प्टिंग लग रही है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। चावल के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।